टैली चैप्टर 161। बहुत सारी कंपनियां, या मैं कहूं कि सभी कंपनियां चाहती हैं कि जब भी उनके बिल प्रिंट हो, इनवॉइस प्रिंट हो, तो उन पर टाइटल उनकी आवश्यकता अनुसार हो। इस टीडीएल सेशन के माध्यम से आप लोग अपनी मर्जी से टाइटल बदल पाएंगे। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एक सैंपल दिखाया ब्लैक हेडिंग में, यहां कस्टमाइज हेडर यानी कि हेड्स का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो हम कई तरीके के इनवॉइस हेडिंग तैयार कर सकते हैं, ये एक सिंपल सैंपल है आपके लिए। अगर आपको कुछ और भी बदलाव करने हों तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी जो TDL से रिलेटेड है। आज मैं आपको कोडिंग सिखाने वाला हूँ। मैं रेडीमेड कोड आपको नहीं दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा दो दो लाइनों में, प्रैक्टिकली तीन लाइनों में, कि कैसे हेडिंग बदली जाती है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी TDL बनवानी हो तो कमेंट में डिटेल में एग्जाम्पल दे करके मुझे समझाइएगा और मैं आपके लिए वो सेशन तैयार कर दूंगा। चलिए फिर लेसन की शुरुआत कर देते हैं इसी के साथ। हम अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर हम एक छोटा सा कोड टाइप कर रहे हैं। अपना नोटपैड स्टार्ट कर लीजिए, साथ साथ चलेंगे। मैंने अपना नोटपैड स्टार्ट कर लिया और एक टाइटल मैंने लिखा है, आप इसे लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए होता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको बदलाव करना है अपने हेडिंग्स में, तो आपको ढूंढना पड़ता है उस पर्टिकुलर लाइन को। जो आप हेडिंग वाली लाइन देख रहे हैं, आपको उसका नाम पता होना चाहिए। जहाँ पर ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है, रेट है, यूनिट्स हैं, तो उस लाइन का आपको पता होना चाहिए कि उस लाइन का नाम क्या है। तो उस लाइन का नाम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर EXPINV लाइन का नाम है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो आपने उस लाइन में जो जो बदलाव करने हैं उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब इसमें कई कॉलम्स होते हैं, तो मैं कॉलम नंबर 1 में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। सो याद रखिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो हमें परेशानी होगी। ये हमने अपनी पहली लाइन डिफाइन कर दी, और उसके बाद में अभी मैं आपको हेडर ब्लैक एंड वाइट करके दूंगा, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर बॉर्डर का चुनाव किया, जो मेरा बॉर्डर होगा वो डबल टॉप रहेगा, थोड़ा सा डार्क होगा ताकि विजिबल हो जाए फिलहाल, ठीक है। हम एक और बॉर्डर लेंगे, वो टॉप के साथ साथ बॉटम में भी लेंगे ताकि वो और डार्क हो। इसी को आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए नीचे, टॉप की जगह पर आप बॉटम का चुनाव कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको बदला बॉटम, नाइस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके लिए फील्ड जो है उसको ढूंढना कि वो फील्ड कौन सी है। तो मैंने लोकल फील्ड जिसमें मुझे बदलाव करना है उसका नाम ले लिया। आपको याद होगा हमने ऊपर जो लाइन ली है उसी नाम की फील्ड हमने ले लिया यहाँ पर, और जहाँ जहाँ जो जो बदलाव करना चाहते हैं उनको आप सीधे सीधे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बदलाव जो है आपका कर दिया क्वांटिटी टाइटल में, अभी सारे ही करेंगे लेकिन फ़िलहाल मैंने क्वांटिटी टाइटल में बदलाव किया। और आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा, इन्फो या सेट एज के माध्यम से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो जो आपका क्वांटिटी आ रहा है उस
क्वांटिटी का नाम बदल करके आप क्या रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इसको टेस्टिंग के लिए नेट वेग, टी साइलेंट होता है एक्चुअल इंग्लिश में, सो नेट वेग का इस्तेमाल किया और इसे सेव कर दिया। इसको मैं टैली पर जाकर के ऑल्ट कंट्रोल टी करूँगा अपलोड के लिए। मैंने यह रिफ़्रेश का बटन बना रखा है F5 के लिए, जिसे आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं। जब आप सेल्स वाउचर में जाएंगे, ऑल्ट पी कीजिए, कंटेंट ना हो तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। F4 कीजिए, जूम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नेट वेग है वो आ चुका है, जबकि वो पहले नेट वेग नहीं था, क्वांटिटी थी। एक बार मैं आपको दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन को मैंने यहाँ कंट्रोल एक्स सेव किया और टैली पे जाके रिफ्रेश किया। F5 वाउचर में गए, ऑल्ट पी किया और एंटर करके F4 या ऑल्ट जेड कर सकते। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये लाइन देनी होगी। तो अगर आपको फील्ड का पता चल जाता है, फील्ड के नाम का, तो आप उसमें कोई भी बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने पहली फील्ड तो पता कर ली कि ये क्या है। अब जो मेरी फील्ड आ रही है, उस फील्ड में मैं चाहता हूँ कि उसको ब्लैक एंड वाइट करके दिखाया जाए। प्रिंट करते समय मुझे बहुत छोटा सा बदलाव इसके अंदर करना है। मैं इसी लाइन को दोबारा से रिपीट करूँगा। मैंने यहाँ लोकल फील्ड और फील्ड का नाम, जैसा कि हमें पता चल चुका है, EXPINV, ये हमारे फील्ड का नाम है, QTY और टाइटल यहाँ पर। तो ये हमारी फील्ड का एक्चुअल नाम है और इस नाम में हमें क्या चाहिए, इसका जो प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट फोरग्राउंड में कलर दे देंगे। अब मुझे फोरग्राउंड का कलर जो चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्लू, ये मैं मान लेता हूँ कि मुझे ब्लू चाहिए। कंट्रोल एस, टेस्टिंग साथ साथ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया एस्केप, F5, वाउचर, ऑल्ट पी, यहाँ पर ब्लू कलर इसके फोरग्राउंड का हो चुका है, यानी कि टेक्स्ट कलर ब्लू आ रहा है। तो इसलिए हम जो भी बैकग्राउंड कलर रखेंगे उससे मैच करता हुआ कलर जो विजिबल हो जाए हमें यहाँ पर रखना होगा। तो मैं लोकल फील्ड का चुनाव कर रहा हूँ, लोकल फील्ड और EXPINV QTY TITLE टाइटल, और यहाँ पर मैंने प्रिंट BG यानी कि बैकग्राउंड, और जो भी मुझे बैकग्राउंड का कलर चाहिए वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, फॉर एग्जांपल रेड, कंट्रोल एस, और उसके बाद में यहाँ रिफ्रेश, ऑल्ट कंट्रोल टी। तो मैंने अब वाउचर लिया, यहाँ पर रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन का टेक्स्ट आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ब्लैक और वाइट रखेंगे हम इसको, या ग्रे और वाइट कर सकते हैं हाईलाइट कराने के लिए। तो जब हमें फील्ड का पता चल जाता है तो हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। वाइट, और यहाँ पर रेड की जगह पर मैंने ग्रे कर दिया है। मैं बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, आपको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार टेस्ट कर लेना लाइन लिखने के बाद में, नहीं तो आप रिफ्रेश TDL कोड बना लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ ग्रे वाइट, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अगले फील्ड पर, और मैं इसको ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये डार्क आपको दिखाई दे। प्रिंट में तो हम कलर बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए
तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि नेक्स्ट फील्ड का चुनाव मुझे करना है। नेक्स्ट फील्ड का नाम मुझे पता होना चाहिए। मैंने लिया लोकल फील्ड, और लोकल फील्ड का नाम आप एक साथ रखिएगा, मैंने जानबूझ करके गैप बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंट फील्ड के बारे में जानकारी हो, भविष्य में आसानी से आप बदलाव कर पाएं। तो इन्वेंट्री में हमारा जो नेक्स्ट होगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है ना, उस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है इसलिए ग्रे है, अभी F5 कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को भी हम चेंज करें, तो इसकी फील्ड की जानकारी लेते हैं, F5। तो इसकी फील्ड जानकारी लेकर के हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने इसकी जो फील्ड है वो ले ली। अब फील्ड DESC डिस्क्रिप्शन और टाइटल, डिस्क्रिप्शन टाइटल उस फील्ड का नाम होता है जो आप प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं। तो इन्फो ले लेते हैं, और इन्फो में जाकर के हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड्स नेम, या फिर प्रोडक्ट नेम मैंने जैसा हेडिंग में दिया था, तो मैंने गुड्स नेम फिलहाल लिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं, और अब की बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ऑल्ट कंट्रोल टी कर लेना आप। ये देखिए, अब यहाँ पर जैसा मैंने ब्लैक किया था, ब्लैक एंड वाइट, वो हो गया, और यहाँ पर गुड्स नेम हो गया, क्योंकि मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया है, इसलिए ये ऐसा ही रह जाएगा। तो जहाँ जहाँ जो बदलाव करने हैं वहाँ वहाँ वो बदलाव आप कर लेना। तो मैं काम करता हूँ सिंपल, लोकल फील्ड, और मैंने इसको दे दिया नाम EXPINV, और उसका डिस्क्रिप्शन टाइटल, और प्रिंट फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का जो कलर है वो मैंने वाइट रखा फिर से, और अब मुझे लोकल फील्ड ऐड करनी है, और जिसका नाम है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर ले लिया इसको डिस्क्रिप्शन टाइटल, नाम ले लेते हैं इसमें कलर प्रिंट फोरग्राउंड के बाद बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को आपने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। इतना ही हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, कंट्रोल एस, आगे इसमें चलते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरीके से होने लग गया। अभी हम एक एक करके इन सभी में बदलाव कर देंगे, बस फील्ड नोट करते जाइएगा, और फ्यूचर में जब भी आपको कोई बदलाव करना हो वो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लोकल फील्ड, मेरा जो लोकल फील्ड रहेगा इस बार, मैं उसमें लेने वाला हूँ आपका, चेंज करते हैं थोड़ा सा, अमाउंट वाले पे चले जाते हैं, इसका अमाउंट पहले चेंज कर देते हैं। सो उसका नाम मुझे याद, हाँ ठीक है, वो पूरे नाम से ही चलेगा, लोकल फील्ड EXPINV, और उसका नाम होता है अमाउंट टाइटल, ठीक है, अमाउंट टाइटल, इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो अमाउंट टाइटल का नाम अगर आपको बदलना है तो बदल दीजिए, इन्फो, और क्या नाम रखेंगे अब आप, मान लीजिए मैंने टेस्टिंग के लिए कैश रख दिया, वैसे होगा नहीं, कुछ और नाम ही आप रखना, क्योंकि कैश क्रेडिट में भी सेल हो सकती है। सो F5, यहाँ पर ऑल्ट पी, सो अमाउंट वाला कॉलम जो है आपका वो कैश हो गया, ठीक। कलर फिर से जो आप अप्लाई करना चाहें वो कलर अप्लाई कर सकते हैं,
तो इसीलिए टाइटल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोकल फील्ड, यहाँ पर EXPINV, और मैंने यहाँ पर अमाउंट, टाइटल, प्रिंट, फोरग्राउंड, सेम कलर चल रहा है तो वाइट, और लोकल फील्ड, और यहाँ पर मैंने फिर से वही ले लिया अमाउंट, टाइटल, और आप ले लो प्रिंट बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, इसको हम टेस्ट बाद में कर लेंगे, पहले हम और काम कर लेते हैं। ये भी हमारा डन हुआ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास अमाउंट भी कर दिया मैंने आपके लिए, अब कर देते हैं रेट पर, जो भी आपका पर पीस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है तो उसको भी आप चेंज कर लो। तो मैंने यहाँ पर चेंज करना शुरू किया लोकल फील्ड, और उस लोकल फील्ड का नाम स्टार्टिंग में तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर बदल जाता है और नाम मैच करता हुआ है, दैट इज रेट पर टाइटल। ठीक है, इन्फो या सेटर जो भी आप लेते हैं, मैंने इन्फो लिया और यहाँ पर मैनेज किया था प्राइस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या चेंज कर दीजिए, वहाँ पर लिखा है तो आप यूनिट कर दीजिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कर दीजिए जो आपको ठीक लगे, या जो भी हटाना हो वो सारी चीज़ें आप हटा भी सकते हैं वहाँ से। पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लोकल फील्ड रेट पर टाइटल इन्फो, और वो रहेगा आपका, इन्फो तो हम ले चुके हैं, मुझे लेना चाहिए प्रिंट फोरग्राउंड, दैट इज वाइट, एंड द सिमिलर विल यूज हियर लोकल फील्ड एंड दैट इज EXPINV इन्वेंट्री, एंड देन द टाइटल इज रेट पर टाइटल, एंड वी नीड टू चेंज द प्रिंट बैकग्राउंड, एंड एज वी हैव डिसाइडेड दैट इज ब्लैक। कंट्रोल एस, काम कंप्लीट। यहाँ पर इस वाले का F5, ये देखिए अभी हमारा रेट और डिस्काउंट रहता है और सीरियल नंबर रहता है, तो एक एक करके आप उनमें बदलाव कर सकते हैं। मैं थोड़ा और आपके लिए इसमें ऐड कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो टॉपिक हमारा रेट पर के साथ में हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले रेट वाला ही चेंज कर देते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। सो लोकल, सॉरी, लोकल फील्ड, जो हमारी लोकल फील्ड है उसी पर काम कर रहे हैं, तो ये लिया मैंने, और रेट टाइटल, क्योंकि मुझे इस फील्ड का नाम पता चल गया। ठीक है, तो मैं आसानी से इसे बदल सकता हूँ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हर फील्ड का नाम एक्चुअल में क्या है वो आपको पता चल जाए तो आप काम आसानी से कर सकते हैं। इन्फो, और इन्फो में मैंने यहाँ पर रख दिया क्या रखा जाए, वैल्यू फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं लोकल फील्ड
लोकल फील्ड हमारा EXPINV एंड दैट इज रेट टाइटल प्रिंट फोरग्राउंड कलर ले रहा हूँ तो मैं कलर दे दूंगा यहाँ पर जो भी मुझे चाहिए तो वाइट ही रखते हैं। फिर से लोकल फील्ड ये लेते हैं और रेट टाइटल और यहाँ पर ले लेंगे प्रिंट बैकग्राउंड दैट इज ब्लैक ये लिया हमने इसको बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे इसमें यहाँ तक हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अच्छा मेरे सिस्टम में क्या है कि मैं आपको पता ही है कि अकाउंट मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है तो अगर आप जैसे GST का इस्तेमाल करते हैं SAC कोड या HSN कोड जो होता है आपका प्रोडक्ट का उनका एक नंबर होता है वो आप यूज़ करते हैं तो उनमें भी बदलाव कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर तो नहीं दिखाई देगा लेकिन मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए। वो रहेगा अपना लोकल फील्ड ताकि आप उसमें भी बदलाव कर पाएँ EXPINV। और अब आपको बस टाइटल ले लेना। टाइटल बहुत सिंपल है उसका HSN होगा 3 लेटर पहले और फिर SAC ठीक है टाइटल और आगे का आप लिख लेना जो भी आपको बदलाव करना हो बदलाव कर दीजिएगा। इन्फो लगाइए फिर आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो भी लगाना है वो ले लीजिएगा। मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए क्योंकि मेरी स्क्रीन पर वो विजिबल ही नहीं होगा मेरा GST ऑफ है इस समय तो इसलिए नहीं दिखाई देगा। HSN कोड हो गया तो डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट पर भी आप काम कर सकते हो। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एक मिनट। सो डिस्काउंट टाइटल के लिए हमें DISC टाइटल का इस्तेमाल करना है और हमने ले लिया यहाँ पर इन्फो ओके इसमें डिस्काउंट को इंसेंटिव करके मैंने छोड़ दिया मान लेते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर नहीं ले रहा हूँ। बारी आती है सीरियल नंबर की तो सीरियल नंबर में आप लोकल फील्ड और यहाँ पर आप चेंज कर लेना ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं लोकल फील्ड ये और यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए हम लोग SLNO का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। टाइटल ले लेंगे क्योंकि वो टाइटल पर है तो टाइटल लिया मैंने इन्फो और मैंने रोल कोड के लिए उसको RO लिख दिया था टेस्टिंग के लिए। आप SN कर सकते हैं SNO कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ले लिया गया। ये तो रही फर्स्ट कॉलम की बात इसमें हमने बदलाव कर दिया। कॉलम टू जो है उसमें भी आप इसी तरीके से बदलाव करना सीखेंगे। उसका नाम कॉलम टू होता है जो भी फील्ड आपको चाहिए वो ले सकते हैं कंट्रोल एस और अब टैली पर चलते हैं और टैली पर अपलोड वाउचर और पी एंटर फोर ये देखिए शुरुआत से चलते हैं RO ठीक है। RO नंबर दिया हुआ है तो RO नंबर बदलाव जो जो करना हो कर लीजिएगा। गुड्स नेटवर्क वैल्यू यूनिट इंसेंटिव कैश इस तरीके से होगा और आपकी वैल्यू ऐसे ही प्रिंट होगी इन टाइटलों के साथ में। अगर आपको हेडिंग कलर हटाना है तो प्रिंट FG प्रिंट BG यहाँ से हटाए जा सकते हैं। ये तो रहा पहले टाइप का टाइटल। आप में से कुछ साथियों को एक दूसरे टाइप का टाइटल भी चाहिए जिसमें आपको हो सकता है कॉलम्स की संख्या कम करनी पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आए या फिर क्वांटिटी में यूनिट लिखी हुई आए तो ये सब चीज़ें भी हम बदलेंगे। वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया है आप उसे देखिएगा उसमें आपको बेहतर चीज़ें
क्लियर हो पाएंगी। और दूसरे टाइप का डिज़ाइन है वो, एक्चुअल में बेहतर तो यहाँ से भी हो गया, लेकिन वो एक और है। हर व्यक्ति अलग अलग टाइप के इनवॉइस बनाता है, तो मैं दो तीन टाइप के कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। एक मैंने आपको अभी बताया और कुछ और आने वाले सेशंस में आपको बताऊँगा। इसी के साथ हमारा टेली चैप्टर 161 यहीं पर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं टेली चैप्टर 162 की ओर।